भीख मांगते हो शर्म नहीं आती? तुम ऐसी हट्टी कट्टी जवान लड़की को भीख मांगना है? जाकर कहीं काम करो। ए, सुनो, शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लगी, लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। एक भले चंगे इंसान के लिए भीख मांगना बहुत बुरा है। इससे इंसान लोगों की नजरों में गिर जाता है, दुनिया के लिए बोझ बन जाता है और हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। तुम जवान हो, काम कर सकती हो, तुम्हें काम करना चाहिए। जी हाँ, मुझे काम करना चाहिए, मैं जानती हूँ। जानती हो तो करती क्यों नहीं? मैं तो करना चाहती हूँ। हाँ। और मैंने कोशिश भी की, लेकिन लोग सिर्फ काम लेना नहीं चाहते, वो कुछ और भी चाहते। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, समझी? अगर तुम शराफत और इज्जत से काम करना चाहती हो तो मैं ले सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना अपने एक दोस्त का एड्रेस देता हूँ, वो तुम्हें काम दे देगा। कल सवेरे उसके पास चले जाना, जरूर चले जाना, और इस तरह मांगते फिरने की बजाय कल से काम शुरू करो, समझी? चलो। आ गई बेटी, कुछ मिला बेटी? नहीं बाबा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बाबा? इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटी, मुझे ये ख्याल खाया जा रहा है कि कल क्या होगा। क्यों? भीकू फिर आया था और कहता था अगर कल तक हमने सारा किराया न दिया तो हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा बाबा, हम कहाँ जाएंगे? ठोकरें खाने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है बेटी। पापा, घबराओ नहीं बेटी, अगर वो हमें यहाँ से निकाल देगा तो हम किसी पेड़ के नीचे जा बैठेंगे, वहां से हमें कोई नहीं उठा सकेगा। बाबा, आज एक आदमी ने मुझे किसी का पता लिख कर दिया था, वो कहता था मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन मैंने वो फेंक दिया। क्यों फेंक क्यों दिया बेटी?
कौन जाने उसी से हमारे दिन फिर जाते। बाबा मैं अभी जाकर वो कागज देखती हूँ। नहीं नहीं इस वक्त जाना ठीक नहीं है बेटी, रात बहुत हो चुकी है और जमाना बहुत बुरा है। तुम फिक्र न करो बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। बेटी बेटी ढूंढ रही हो? एक कागज। कागज? हाँ, उस पे किसी का पता लिखा हुआ है। किसका पता? वो किसी ने दिया था और कह रहा था मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा? हाँ, मेरे बाबा बहुत बीमार है इसलिए वो काम नहीं कर सकते। हमें कई महीनों का किराया देना है, अगर मुझे काम न मिला तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। वो कागज मिलना ही चाहिए। देखो ये तो नहीं है। शुक्रिया। जी आपने मुझे बुलाया था? हाँ देखो, मैंने एक लड़की को तुम्हारे नाम चिट्ठी दी थी, वो आए तो उसे काम दे देना। और सुनो जी, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे अपने एक दोस्त के पास भेज रहा हूँ, उसे ये मालूम ना हो कि मैं इस मिल का मालिक हूँ। बहुत अच्छा। और उसे पैसे रोज के रोज दे देना। बहुत अच्छा। हेलो। नाम? राधा। उन्नीस। पता? पता मनोहर दास चाल गोलपारा। अविन का नाम? मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं। कोई बात नहीं, बाप का नाम बताओ। साधुराम। क्या करता है? कुछ नहीं। बेकार है? हाँ, वो बीमार है, काम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें काम दिखाऊं। मुझे काम मिल गया है बाबा, और आज मुझे वहां से एक रुपया मिला था। ये देखो मैं कितना कुछ लाई हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में चूल्हा जलेगा। बाबा तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? बिल्कुल चाचा, तुम हमें यहाँ से निकालने के लिए आए हो? बिल्कुल चाचा। नहीं, ये खोली तेरे नाम पे करने आया। अरे मैं तो आज सुबह रे को ये खाट बाट उठा के फेंक देता हूँ, बूढ़ा का कहना से रुक गया हूँ, अब बस तेरा इंतजार कर रहा था मैं। ऐसा ना कहो बिल्कुल चाचा, हम तुम्हारा सब किराया दे देंगे, अब मुझे काम मिल गया है। अरे तो कौन सा बड़ो रेल का ठेका मिल गया है जी तुझे? एक रुपया रोज तू कमाएगी तो खाएगी क्या और मुझे देगी क्या? अब मैं ज्यादा काम करूंगी, मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, मैं एक एक पैसा बचा। अरे एक एक पैसा बचा करके क्या हो जाएगा? ये बूढ़ा ने 3 साल को किराया नहीं दियो, जाने कितनी बड़ी रकम हो? 150। हाँ मैं सब दे दूंगी, बस मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दो। नहीं नहीं, मैं वक्त वक्त नहीं दे सकता। तुम लोगों के कहने से मैंने कोरेंट से किश्तें तक करवा दी थी, पर तुम लोगों ने अभी तक एक भी किश्त नहीं दी। जानती है सेठ जी ने कोरेंट से कुर्की तक का हुक्म निकलवा लिया। हाँ बिल्कुल चाचा, मैं सेठ जी के पास जाऊंगी, मैं उनके पांव पड़ूंगी, मैं उनसे थोड़ा सा वक्त मांग लूंगी। सेठ जी तो वक्त दे सकते हैं ना? अरे तो सेठ जी वक्त नहीं दे सकते हैं तो क्या मैं वक्त दे सकता हूँ? सेठ जी को तू क्या समझे? सेठ जी अगर चाहे तो किराया माफ कर सकते हैं, ये खोली तेरे नाम पे कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ तुझे करना वो आज ही जल्दी से कर लेना है, वरना कल फिर। हाँ अरे मैं अंदर आ सकता हूँ? मगर आपको इस जगह का पता कैसे चला? मुझे वो मेरा दोस्त है ना, मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। मैं उससे पूछने गया था कि उसने आपको काम दिया क्या। हाँ हाँ मुझे काम मिल गया है। आपका दोस्त बहुत ही अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है। और आज मुझे एक रुपया भी मिला था। बाबा इन्होंने मुझे पता लिख कर दिया था। अच्छा, आपने हम पर बहुत मेहरबानी की है बाबू साहब। आप बैठिए बैठिए। बापू साहब
आपका दोस्त बहुत ही अच्छा आदमी है। हाँ जी हाँ, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो कहता था अगर मैं काम सीख जाऊंगी तो मेरी पगार बढ़ा दी जाएगी। क्यों नहीं, अगर आप मेहनत करेंगी तो मैं सब कुछ ठीक, मेरा मतलब है कि वो मेरा दोस्त है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, और देखिए जरा दिल लगा कर काम करना। अच्छा तो मुझे जाने दीजिए, भगवान आपको खुश रखे। जरा ठहरिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास और तो कुछ नहीं, सिर्फ यही है। अपने बाबा के लिए जाए समझो कि मैंने कहा। आ रही हूँ। जी हाँ। राधा मैं जरा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपके साथ? मां जी से मिलने के लिए। ओह, लेकिन बाबा के लिए मुझे खाना बनाना है। वो खा चुके, मैं भी उनसे मिल के आ रहा हूँ। लेकिन उनसे पूछे बिना? लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है। फिर भी उन्हें पूछना भी तो चाहिए। अच्छी बात, जा पूछ के आओ। बाबा बाबा, वो बाबू है ना, वो बाबू जो उस दिन यहाँ आए थे, वो बाबू। हाँ हाँ, उनका नाम निर्मल है बेटी, निर्मल बाबू। वो अभी यहाँ से गए हैं, ये सब कुछ वही लाए थे। और जानती हो बेटी, उन्होंने मेरे साथ बैठकर खाया भी था। वो बाबू मुझे रास्ते में मिले थे और कहते थे बाबा वो मुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए हाँ हाँ साथ ले जाना चाहते थे। हाँ हाँ, मुझसे भी कहा था बेटी, शायद वो तुम्हें अपनी माँ के पास काम के लिए रखवाना चाहते हो। तो मैं जाऊँ बाबा? हाँ, लेकिन जल्दी लौट आना बेटी। अच्छा। और राधा अंदर आओ। मेरा घर है। क्या? नहीं कुछ नहीं। बैठो, मां जी जरा बाहर गई, अभी आ जाए। तो मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, याद ही होगा अभी। बैठो बैठो। अरे भी बैठो, ये बैठने के लिए तो है। राधा, इस पर हर तरह के लोग आकर बैठते हैं, और फिर तुम तो उन बहुतों से अच्छी हो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें यहीं आकर रहना पड़ेगा। यहाँ इस घर में? हाँ हाँ। तो क्या आप चाहते हैं मैं मिल का काम छोड़ दूं?
छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो जानते हैं निर्मल बाबू, मैंने इतने बड़े घर में कभी काम नहीं किया। लेकिन तुम्हें काम करने का कौन कहता है? तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम बड़ी बेवकूफ हो, इतनी सी बात भी नहीं समझ सकती। जी? मैं ये कह रहा हूँ कि श्रीमान निर्मल चंद्र कुमारी राधा के सामने शादी का प्रस्ताव पेश करते, कहो राधा, हाँ या ना? मुझे इन चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। निर्मल बाबू से मदद के लिए नहीं गए थे? निर्मल बाबू से? नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, वो क्या सोचेंगे? नहीं बाबा। देखो चाचा, आज का दिन मेरे बाबा को यहाँ रहने दो, मैं कल सब कभी नहीं, कभी नहीं। सेठ जी ने हुक्म दिया, मैं आज ही तुम्हें निकाल के बाहर फेंकूंगा। कहाँ फेंकूं भैया,
इस टूटे फूटे सामान के साथ मुझे आप हाथ को भी मार देंगे। नहीं बाबा नहीं, नहीं, नहीं बेटी। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं अभी सेठ के पास जाती हूँ। अभी अभी जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मैं भी आ रही हूँ वहाँ। हाँ सेठ जी, मैंने तो उसको बहुत मना किया लेकिन वो मानते ही नहीं। वो कहते कि मैं सेठ जी को ही मिलूंगी। हाँ सेठ जी, अच्छी बात है, अच्छी बात। जाओ तुम सेठ जी को मिल सकती हो। लेकिन दरवाजा तो बंद है। खुल जाएगा, खुल जाएगा। क्या चाहिए? हम पे दया कीजिए सेठ जी, बिल्कुल चाचा हमें खोली से निकाल रहा है। मेरा बाबा बहुत बीमार है, भगवान के लिए हमें वहां से ना निकालिए सेठ जी। मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगी। हम पे तरस खाइए सेठ जी। कितनी खूबसूरत, क्या नाम है तुम्हारा? राधा। बाप का नाम? साधुरा। 150 रुपया। मैं सब चुका दूंगी सेठ जी, मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम पे रहम कीजिए सेठ जी। हाँ, मैं वाकई बहुत रहम दिल हूँ। मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। जब तुम लोगों को रुपए की जरूरत होती है तो मैं अपनी तिजोरी खोल देता हूँ, और जब तुम लोगों को मकान की जरूरत होती है तो मैं अपनी बिल्डिंग के कमरे खाली करा देता हूँ। लेकिन जब मैं किराया चाहता हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? महज झूठे बहाने और झूठे वादे। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मेरा बाबा 2 साल से 4 पाई पर पड़ा है, इसीलिए वो आपका किराया नहीं दे सका। लेकिन अब मुझे काम मिल गया है, मैं आपके पाई पाई चुका दूंगी। मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हमें वहां से ना निकालिए सेठ जी, नहीं तो मेरा बाबा मर जाएगा। दुनिया में उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। हम पे दया कीजिए सेठ जी। तुम्हारी दुख भरी बातें सुनकर मेरा दिल भर। मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूँ, अब हो सकता है किराया भी माफ कर दूं। देखिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन एक शर्त। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा? तुम बड़ी खूबसूरत हो राधा। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए दरवाजा खुले, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके पांव पर क्यों? मुझे जाने दीजिए। चले जाए, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? अब यहाँ से भाग कर जाओगी कब? देर लगा दी बेटी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। क्यों, क्या कहा थे? क्या हुआ है राधा? मैं पहले ही जानता था, तुम समझती थी
तुम्हारे हाथ जोड़ने से सेठ का दिल पिघल जाएगा। नहीं बेटी, सोने और चांदी में खेलने वाले सेठों का दिल सोने और चांदी की तरह सख्त होता है। तुम मेरे लिए यूं ही सेठ के पास गई थी बेटी। अगर भगवान मुझे इस तरह मुसीबत में न डालना चाहता तो इस तरह चारपाई पर क्यों डालता। लेकिन तुम चिंता न करो बेटी, हम किसी पेड़ के नीचे जा रहे हैं। अरे सेठ जी के होते हुए तुम्हें पेड़ के नीचे जाने की क्या जरूरत है जी? तुम हमारे सेठ जी को क्या समझे? उन्होंने तुम्हारा सारा किराया माफ कर दिया। अरे शुक्र करो कि हमारे सेठ जी को इस पे रहम आ गया और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ ना कहूँ। अब तुम लोग आराम से रहो और एक समझना। सुना बेटी, जी को कहता है सेठ ने सारा किराया माफ कर दिया है, सेठ को तुम पर दया आ गई है। हे भगवान, आखिर तूने अपनी आंखें खोली, तुझे हम पर दया आ ही गई। बेटी बेटी, बताओ क्या हुआ है राधा? तुम्हें क्या हो गया है? तुम काम पर नहीं आती, घर पर नहीं रहती है। तुम्हारा बाबा कहता है कि सुबह सवेरे चली जाती हो। कहां जाती हो? बोलती क्या नहीं? बताओ कहां जाती हो? जवाब तो नहीं देती। कहां जा रही हो? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। जब तक ये नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? राधा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचा है? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करना चाहता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधा, 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 मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटी? बेटी, बेटी, बेटी। समय पर सब ठीक हो जाएगा। तू जरा खुराक खाया कर और चला फिरा कर, समझी? राधा, सुना तूने उस औरत ने क्या कहा है? क्या है सच है राधा? क्या है उसी निर्मल बाबू की करतूत है जो हमारा इतना हमदर्द बनता था? उसे कौन था वो शैतान? बोलो राधा, बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कौन था वो शैतान? बोलो राधा, बोलो। एक गरीब के लिए 150 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है बाबा। मुझे मार डालो बाबा, मुझे मार डालो, मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बाबा, मुझे मार डालो बाबा, मुझे मार डालो। सुन रहा है भगवान? मेरी मासूम बच्ची की चीखें सुन रहा है? तू हमारा भगवान है, गरीबों का रखवाला है। जब मेरी बच्ची वहां गई थी उस वक्त तू कहां मर गया था?
मेरी बच्ची की बर्बादी देखने से पहले तेरा आसन क्यों ना टूट गया? मेरी दुनिया में अंधेर होने से पहले तेरी दुनिया अंधेरी क्यों ना हो गई? मेरी बच्ची ने क्या कसूर किया था? मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? भगवान, तू भगवान है, सारी दुनिया का मालिक है। मेरी बच्ची के माथे पर कलंक लगते देखकर तुझे शर्म नहीं आई? भगवान, रो नहीं बेटी, अंधा भगवान बहरा भी हो गया है, हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। तू समझता है मैं अपाहिज हूं? मैं तेरा सारा जुर्म बर्दाश्त कर लूंगा? कभी नहीं। अब मैं तेरा जुर्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैं उस शैतान को जान से मार डालूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, भगवान भी नहीं रोक सकता। अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ,
दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ, अंधे जहान के अंधेरा से जाए तो जाए कहाँ। समझा, मरना चाहती हो? बहुत आसान, एक कदम एक लहर किस्सा खत्म। मरना बहुत आसान है मगर जीना जरा मुश्किल है। समझी? नहीं समझी, नहीं समझी। ये आसान रास्ता बेवकूफ ढूंढते हैं, समझदार जीते हैं और हालात से लड़ते हैं। ओ समझा, रोटी नहीं, जगह नहीं, कपड़ा नहीं, सो तुम मरना चाहती हो। मगर सोचो, जिन्हें रोटी कपड़ा जगह नहीं मिलती, अगर वो सब मरने का प्रोग्राम बना ले तो इस दुनिया में क्या रहे? कुछ नहीं, सिर्फ मस्तराम ही मस्तराम। मेरी तरफ देखो, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। ये कपड़े मांगे हुए, जेबें फटी हुई, पेट हमेशा खाली, लेकिन मैं जिंदा हूं, खुश हूं, मस्त हूं, रोता हूं एकदम नहीं। समझी? नहीं समझी। खैर कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो। छोड़ो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ो। लो छोड़ दिया। साथ साथ नहीं आना चाहती? कोई बात नहीं, पीछे पीछे आओ, आओ। लेकिन मैं समझा, हाँ समझा समझा समझा, मैं समझ गया कि तुम मरना चाहती हो। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में पैदा होना कौन चाहता है? कोई नहीं, लेकिन हम सब पैदा होते हैं। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं, लेकिन हम सब जरूर मरते हैं। एक दिन सभी को मरना है, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्या उसने कोई तुम्हें तार दिया है, कोई खत भेजा है, कोई टेलीफोन किया है? नहीं। अरे पगली, बिन बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं। तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ओहो, तो यहाँ रहने के लिए कौन आया है? एक दिन सभी को जाना पड़ेगा। और अपने लिए उसने कोई टेलीफोन टांग रख दिया नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते। और तुम भी ऊपर जाने का ख्याल छोड़ दो, अपने भाई के साथ उसके मस्त महल में रहो। चलो भाई, हाँ शाबाश, कम चलो चलो, बिफोर आई लूज माई टेम्पर, चलो। शाबाश शाबाश। मस्तराम का महल जरा पुराना है लेकिन बहुत मजबूत है। अरे दिल्ली के लाल किले का मुकाबला करता है। अब ए मिस्टर, आओ निकल जाओ, हमारे नए मेहमान आए हैं, नए मेहमान समझे, बाहर जाओ। कितना होशियार मेहमान है, पीछे के दरवाजे से चला गया। दुनिया में गरीब और कुत्ते की एक ही जगह होती है, समझी? नहीं समझी, नहीं समझी। कोई बात नहीं, आओ 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 आओ, यहाँ तो ऐसे होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आओ। ये हमारा दीवान खाना है, दीवान खाना, मस्त महल का दीवान खाना। आओ। और ये यहाँ आओ, इसको मत हाथ लगाओ, इसको मत हाथ लगाओ, ये जरा भी सरक गया तो पूरी छत जमीन पर, और जमीन 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 कहाँ गई भाई? नहीं समझे, नहीं समझे, ये भी नहीं समझी, तुम भी नहीं समझे जमीन कहाँ गई। आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ, आओ। ये देखो, ये है मस्तराम का कमरा। जब हमें भूख लगती है
हम अपने हाथों से खाना पकाकर इस टेबल पे रखते हैं और इस कुर्सी पे बैठकर आराम से खाते हैं, और जब मस्त हो जाते हैं, नींद आती है, तो इस खटिया पे सो जाते हैं, कभी सर इधर तो कभी सर इधर। इस घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, दिन में धूप, रात में चांदनी, बरसात में पानी, ठंड में ठंड। हम पे भगवान की बहुत मेहरबानी है। हाँ, एक बात पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? राधा। आ, तुम अच्छी लड़की बनकर बैठ जाओ, करीब बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश, तुम यहीं ठहरो और मैं इस पापी पेट का बंदोबस्त करके आता हूं। ठहरो यहीं। जानती हो राधा, दुनिया में यह सब चक्कर पेट का है। महाभारत के जमाने से चलो, आने वाले महायुद्ध तक जाओ, इसके बीच में सब झगड़ा इस पापी पेट के लिए होता है। राधा, इतनी सी जगह के लिए दुनिया में लड़ाई, झगड़ा, कत्ल, खून, हड़ताल, सब कुछ इसी के लिए होता है। राधा, अगर ये ना हो तो दुनिया में कोई मस्तराम ना रहे, कोई राधा ना रहे, न रहे बांस, न बजे बांसुरी। नहीं, नहीं समझी, नहीं समझी। सेकंड से मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूं। क्यों, किस लिए मस्तराम, किस लिए? तू गधा है। मुझे गधा किसने कहा? मैंने अपने आप को गधा कहा और समझा नहीं। गधा हमेशा गधे को गधा ही कहा करता है। छोटा बच्चा, जवान, बुढ़ा, फिर बच्चा, दुनिया गोल है राधा, दुनिया गोल है, समझी? नहीं समझी। ला हमको तो बाबा को। नहीं नहीं, क्यों जाएगा? अरे हट, अरे हट बाबा, देखो हमारे पास कितना अच्छा आते हैं बाबा। आजा बेटा। डिंगड़ी 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 डिंग डिंग। राधा, ये कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, अगर ये स्पीड रही तो ये मस्तराम बन जाएगा, मस्तराम बन जाएगा। बस क्या कहा? अरे मैंने तेरा सब बंदोबस्त कर दिया है, घबरा मत, कल से तू एक दूसरे मस्त महल में जाएगा। वो मस्त महल नहीं, मस्त महल से भी बड़ा मस्त महल होगा। वहां तेरे लिए रहने की जगह, खाने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह, खेलने के लिए जगह, वहां तेरा सब बराबर होगा। क्यों, क्या ख्याल है? क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? क्या कहा? हम यहाँ से जा रहे हैं।
हम किस लिए? जब तक मस्त महल खड़ा हुआ है हम ताजमहल में भी नहीं जाएंगे, समझी? हम नहीं, हमारा राजा जा रहा है। कहाँ जाएगा? क्या कहा? और यहाँ ये तो राजा, मैंने तुमसे कहना ही भूल गया, वो महाशय जी से मैंने बात की थी ना, वो मान गए इसको अनाथ आश्रम में रखने के लिए। अनाथ आश्रम में? वहाँ क्यों? यहाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं, ना तुम्हारे लिए ना इसके लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं इसे ले जाने दूंगी, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसकी माँ हो, लेकिन तुम इस बेरहम दुनिया को नहीं जानती राधा, ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इंसान की जिंदगी नहीं बसर करने देगी, ये तुम्हें हर कदम पे ठोकर मारेगी, तुम दोनों आवारा कुत्तों की तरह रस्ते पे भटकते फिरोगे राधा। नहीं नहीं, तुम मुझे लाख डरा, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इसके लिए मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, भूखे रहूंगी, मगर इसे जुदा नहीं कर सकती, दुनिया में मेरा सब कुछ यही है। अच्छी बात, तुम इसे अपने पास रखो, इसके लिए मेहनत मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखी रहो, दुनिया की सब मुसीबतें उठाओ, जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है वो तुम सब कुछ इसके लिए करो, ये दूसरे बच्चों की तरह पलकर बड़ा होगा, फिर उसके बाद जानती हो क्या होगा, कोई इससे पूछेगा कि तेरा बाप कौन है, ये क्या बताएगा? कुछ नहीं, ये तुमसे आके पूछेगा, तुम क्या बताओगे? कुछ नहीं, लोग दुखी और गुलामी काटने वाली माँ का ख्याल नहीं करेंगे, वो इसके बाप का नाम पूछेंगे। चुप रहो, भगवान के लिए चुप रहो, तुम एक माँ के जज्बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम्हारे जज्बात। हाँ हाँ हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मेरे जज्बात नहीं, मेरे जज्बात ही नहीं, दुनिया ने मेरे जज्बात को उछल डाला दादा, वो मुझे पागल समझते हैं, वो मुझे बेवकूफ समझते हैं, मैं जो कहता हूँ तो उस पर लोग हंसते हैं, जो मैं करता हूँ उस पर भी लोग हंसते हैं, मैं चीखता चिल्लाता हूँ उस पर भी लोग हंसते हैं, वो इन आंसुओं को नहीं देख सकते राधा, जो मैं उनसे छुपाए फिरता हूँ। राधा, हनी सुनाना चाहता हूं, सुनोगी? सुनो, बहुत जमाने की बात है, अंधेरी रात थी, एक गरीब खूबसूरत लड़की घर से भाग गई, क्यों? एक अमीर आदमी से शादी करने, वजह प्रेम, वो प्रेम जो दो दिलों को एक बना देता है, वो प्रेम जो दो इंसानों को अमर कर देता है, लेकिन उनका प्रेम कुछ महीनों तक ही रहा, वो प्रेम का गुबार जितनी तेजी से उठा उतनी ही तेजी से बैठ गया दादा, जब वो प्रेम का गुबार छटा तो उसमें वो आदमी भी गायब हो चुका था, उसके बाद राधा वो बेचारी गरीब लड़की घर वापस नहीं जा सकती थी, पेट में प्रेम की यादगार लिए भटकती फिरती थी, रोती थी और उम्मीद पर जीती थी, आखिर उसे बच्चा हुआ, उसकी दुनिया हरी हुई, उसने बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी की, भीख मांगी, भूखी रही, वो बच्चा बड़ा दूसरों बच्चों के साथ खेलने लगा राधा, दूसरे बच्चों में और उसमें कोई फर्क मालूम नहीं होता था, आखिर एक दिन किसी ने उससे उसके बाप का नाम पूछा, बस बस उसी दिन से माँ बेटों की दुनिया बदल गई, दुनिया की औरतों ने मां के माथे पे लिख दिया पतिता, मां बेटों ने बदनामी से भागने की कोशिश की, जगह जगह भटकते रहे, लेकिन बदनामी साये की तरह उनके पीछे रही, आखिर एक दिन
दुखी मां ने दम तोड़ दिया। और उस बच्चे का क्या हुआ? वो न मर सका, वो अब भी जिंदा है। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने खड़ा है। भैया, वो मैं हूं राधा। को आश्रम में ले जाना चाहते हो ना? ले जाओ राधा। वहाँ छोटे बड़े सब एक से
नहीं कोई जो तेरे दुख पे हंसे, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के। सबको सीने से लगाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, सबसे बाहें फैलाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। ॐ हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरे कथासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ नमस्ते स्वामी जी। कौन मस्तराम, कब आए बेटा? अभी आया स्वामी जी, लेकिन आज अकेला नहीं आया हूँ, ये देखिए मस्तराम का पॉकेट एडिशन, ये छोटा मस्तराम। अच्छा बच्चों जाओ अब खेलो। दादा चले छोटे मस्तराम को क्षमा लो। अच्छा मेरा बच्चों बहुत मस्ती करता है। बच्चे से जुदा करना बहुत मुश्किल है बेटा। अरे भाई अभी आलाप मारना छोड़ देगा कि नहीं? तो बात तो, अरे भगवान के लिए कितनी लंबी आलाप मारता है यार। अरे काली पंचम में, अरे वाह रे वाह, तू तो उस्तादों का भी उस्ताद हो गया। अरे खामोश भी बैठेगा कि नहीं? ये राधा भी आई, अजीब है, बच्चे को मेरे पास देकर चली गई। ओहो हो, घबरा मत घबरा मत, तेरी माँ काम करने गई है, वहां से पैसे ले आएगी, फिर मिठाई खरीदेगी, फिर तेरे को खिलाएगी। जुजो। अरे यार चंदू तू किस लिए रोता है मुझे पता अभी चला, सोने का टाइम हो गया है। शाबाश सो जा। बाला जो जो रे, बाला जो जो रे, मराठी समझता है? मराठी समझता है? नहीं समझता है? सो जा। आ जा रे निंदिया तू, आ जा रे, आ जा आ जा, आग बंद कर आग बंद कर। आ जा रे निंदिया तू, आ नहीं 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 चंदू, नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, नहीं चंदू। अरे यार तूने क्या कर दिया? ओ एक ही तो पतलून थी मेरे पास, वो भी गीली कर दिया। तू आदमी कौन है? अच्छा कोई बात नहीं जाने दे यार, तू अजीब आदमी, अपना कभी साथ नहीं देता है तू। चल कोई बात, सो जा सो जा। तुझे पता है कैसा लगता है गीला गीला? बता नहीं, अपने पास खटिया भी ऐसी की आवाज करती है। कोई भी काम हो
मैं कर लूंगी, मैं पहले भी यहाँ काम कर चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ, यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। क्या मैं पुराने मैनेजर से मिल सकती हूँ? उसकी दूसरी मिल में तब्दीली हो गई है। तो जरा मालिक से मिलना चाहती हूँ। उनके पास जाना बेकार है। नहीं नहीं, मैंने सुना है वो बहुत भले आदमी है, मुझे काम जरूर मिल जाएगा, कृपा कीजिए। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो उनसे मिलकर देख लो। तुम यहां ठहरो। कम इन। एक लड़की आई है, वो कहती है कि उसने पहले भी यहाँ काम किया, वो काम चाहती है। एक लड़की काम चाहती है। तो दे दो ना, मुझे परेशान क्यों करते हो? मैंने उससे कहा था कि यहाँ कोई काम नहीं, पर वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने तुमसे कई बार कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान नहीं किया करो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। जी, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उनके पास जाना बेकार है, वो किसी से नहीं मिलेंगे। और क्या है? हैरान हो गई? तुमने तो कभी ख्वाब में भी मुझे यहां नहीं देखा, लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं, और आज तुम्हें मेरे दफ्तर में आना पड़ा, और वो भी काम के लिए। मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं इस मिल का मालिक हूं, और अगर तुम्हें मालूम होता तो शायद तुम यहां ना आते। क्यों, ठीक है ना? कहाँ जा रहे, काम नहीं चाहिए? याद है, एक दिन मैं तुम्हें दुनिया की नजरों में ऊपर उठाना चाहता था, मैं तुम्हें समाज में जगह और इज्जत देना चाहता था, शादी करना चाहता। गंदी नालियों में रेंगने वाले कीड़े कभी साफ पानी में नहीं रह सकते, और तुम इज्जत की जिंदगी बिताने की बजाय सड़कों में भटकना चाहती। क्या अब तुम्हारे लिए वो सड़कें नहीं रही? क्या अब लोग तुम्हारे रंगीन चेहरे को देखकर तरस नहीं खाते? क्या अब तुम्हारे दुख भरे बहाने सुनकर उनका दिल नहीं पिघलता? अब तुम्हें काम की क्या जरूरत है? अब तुम इज्जत बनने का बहाना क्या ढूंढ रहे हो? भीख मांगना बहुत आसान काम है, दिन भर इधर उधर घूमो, हर आने जाने वाले के सामने हाथ फैलाओ, झूठे आंसू बहाओ, मेहनत किए बगैर ऐश करो। तुम यही चाहती थी ना? मैं बेवकूफ था जो तुम्हें बदलना चाहता था। कहो कहो, रुक क्यों गई? कुछ तो कहो, जितने बहाने बना सकती हो बनाओ, दुनिया भर का झूठ बोलो, वो सब कुछ कह डालो जिससे दुनिया का दिल पिघल जाता है, लेकिन मेरे दिल पर अब कोई असर ना होगा। मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया, अपनी मोहब्बत, अपनी किस्मत, अपनी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मेरी मोहब्बत को खेल समझा। अब यहां क्या करने आई हो? निकल जाओ यहां, निकल जाओ। Thank you.
ये बच्चा किसका? मैंने कहा ये बच्चा किसका? शादी कब? मेरी शादी नहीं हुई राधा। इसका बाप कौन? जिसके चाल में हम रहते थे। कौन? मनोहर? वो शैतान। तुम्हारे बाबा कहाँ? वो मर चुके। जब मेरे माथे पे ये कलंक लगा था। ओ, ये कैसे हुआ रहा था? ये कैसे हुआ? क्या करेंगे शंकर, ये मेरी तबाही की कहानी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूँ राधा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जिसकी इज्जत चांदी के सिक्कों के खातिर लूट ली गई हो, उस गरीब लड़की के कहानी में कोई रस नहीं होता। वो गरीब लड़की दुनिया की नजरों से गिर जाती है, वो जलील हो जाती है, पापन बन जाती है। जलील, पापन, पतिता। मनोहर, मनोहर, ओ हेलो निर्मल। आओ आओ। मैं किधर रास्ता भूल गए? निर्मल, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद बन गए हो। कौन सी दुनिया में रहते हो? अरे यार, तुम तो ऐसा मुंह बनाए खड़े हो जैसे तुम्हारे मिल में आग लग गई हो। मिल में नहीं, मेरे सीने में आग लगी हुई। अरे अरे अरे, खैरियत तो है ना? मैं तो खैरियत चाहूँ, लेकिन वो गरीब लड़की नहीं। लड़की? एक कौन लड़की? राधा। राधा? कौन सी राधा? तो तुम उसे भूल चुके हो? और याद भी कैसे रख सकता हूं? तुम तो जानते हो कि यहां हर रोज बीसों आदमी आते हैं और बीसों लड़कियां आती हैं। अब तुम बताओ कि मैं किस किस को याद रखूं? कोशिश करो, वो भी याद आ जाएगी। नाम राधा है। न जाने तुम कौन सी राधा के बारे में कह रहे हो निर्मल। मैं उस राधा के बारे में कह रहा हूं जो अपने बीमार पिता के साथ तुम्हारी उस गंदी चाल में रहती थी। वही लोग जो बहुत गरीब थे, तुम्हारा किराया देने के काबिल नहीं थे, और तुमने कुर्की का हुक्म ले लिया था। याद है? वही गरीब लड़की जो तुम्हारे पास आई थी, जिसने तुम्हारे पांव पर गिरकर रहम की भीख मांगी थी। क्यों, अब भी याद आया कि नहीं? हो, याद आया। वो यहां जरूर आई थी निर्मल, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने उसका तमाम किराया माफ कर दिया था। माफ कर दिया है उसकी इज्जत लेकर? ये झूठ है। जानते हैं उसका एक बच्चा भी है? ये बिल्कुल बकवास है। तुम्हें जानते कि इस किस्म की लड़कियां क्या कुछ करती हैं। वो मुझ पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगाना चाहती है कि मुझसे कुछ रुपया बटोर सके। खामोश! वो लड़की ऐसी नहीं। हो तो तुम उस लड़की को जानते हो? भाई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी किसी ऐसी लड़की पर मरने लगोगे। खैर, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त। तुम कहो तो कुछ रुपया देकर मामला रफा दफा। रुपया? क्या तुम्हारा रुपया उसकी इज्जत वापस ला सकेगा? मगर तुम उसके लिए इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें इस ज्यादती की सजा दिलवाने आया हूँ। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम शराफत के भेष में क्या कुछ करते हो। मैं जाकर तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। अपना इल्जाम दूसरों के सर लगाने का ये अच्छा तरीका है? क्या मतलब? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बच्चा मेरा है? आखिर तुम भी उस लड़की को जानते हो। मैं कह सकता हूं कि बच्चा तुम्हारा है। और कौन जाने को बच्चा तुम्हारा ही? बदमाश!
तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। उसने भी तुम्हारे पांव पर गिरकर रहम की भीख मांगी थी, क्या तुमने उसे माफ किया? चंदू अरे कहाँ गया ये? राधा राधा आ गई। कौन हो तुम? मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, कहां हूं, ये कुछ नहीं चलेगा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। राधा कहां है? तुम्हें कैसा पता कि राधा यहां रहती है? वो यहीं रहती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं उससे मिलकर गया हूं। अच्छा अब समझा, तुम ही वो महाशय हो। क्या मतलब? मतलब साफ है, राधा बच्चा बाप, बच्चे का बाप तुम ही है। क्या बक रहे हो, बताओ राधा कहां? मैं पूछता हूं तुम कहां हो, अब तक थे कहां? उस बिचारी को मुसीबत में डालकर कहां मर गए थे? आज आके पूछते हो राधा कहां है? मैं कहता हूं खामोश रहो। तुम खामोश रहो जलील कमीने। अब कान खोल कर सुन लो, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। जिस शैतान ने राधा की जिंदगी तबाह की है वो कोई और ही है, अब मुझे आज ही मालूम हुआ है। सुना तुमने? मैं राधा से शादी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो गया और मुझे मालूम भी ना हुआ। राधा शर्म के मारे भाग गई और मैं समझा वो मुझे बेवकूफ बना रही है। सुना तुमने? अब बताओ राधा कहां है? मैं उसकी खोई हुई इज्जत वापस ले आऊंगा, मैं उसके लिए सारी दुनिया का मुकाबला करूंगा, मैं राधा से शादी करूंगा। शादी? क्या तुम उससे शादी करोगे? हाँ मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन वो तो पतिता है, उसका एक बच्चा है, और वो भी नाजायज बच्चा। दुनिया में नाजायज बच्चे नहीं होते, दुनिया में सिर्फ नाजायज मां बाप होते। सच सचमुच तुम यही समझते हो? क्या सचमुच तुम राधा से शादी करोगे? राधा 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 यहां तो नहीं है, वो कहां चली गई है? मालूम नहीं कहां गई। आखिर वो कहां जा सकती है? मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, मैंने उसे दफ्तर से निकाल दिया था, वो कहां जा सकती है? कहां जा सकती है? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। लोग कहते हैं तू जो करता है अच्छा ही करता है, मालूम नहीं मेरी तबाही में तू क्या अन्याय देख रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिल रहा है। मैं तेरी लीला नहीं समझ सकती, मैं आज तक सब कुछ देखती रही हूँ, सब कुछ बर्दाश्त करती रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, अब मुझसे जिया नहीं जाएगा, इसलिए मरने से पहले मैं इसे लेकर तेरे दर पर आई हूं। ये तेरी देन है, मैं इसे तेरे हवाले करती हूं, इसकी देखभाल करना अब तेरा फर्ज है।
माँ वो मैंने एक खुशखबरी सुनाओ। कहो। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा सेहरा देखना चाहती थी, अब मैं तुम्हारे लिए जल्द ही लड़की देख लूंगी। लेकिन माँ मैंने लड़की देख ली है। हाँ। कौन है वो? वो बहुत ही अच्छी लड़की है, शरीफ है, सीधी सादी है, अच्छे स्वभाव की है और सुंदर भी है। बस यही समझिए कि बहुत ही अच्छी है, आप उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन माँ वो जरा गरीब जरूर है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं है माँ, और फिर माँ भगवान ने हमें इतना कुछ दे रखा है, है? और माँ मैं कुछ और भी आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बात यह है कि असल में उसका एक कहो कहो, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहता था माँ कि पिछले साल उसका बाप चल बसा था और अब दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं फौरन ही उसे शादी कर लेना चाहता हूँ। निर्मल, मेरा ख्याल है तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छी तरह समझते हो। मैंने बिल्कुल सोच समझ कर ये फैसला किया है माँ। तो ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, शायद इससे पहले मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। राधा, बताओ तो भला क्या हुआ होगा? क्या हुआ? माँ जी ने शादी की इजाजत दे दी। सच? हाँ, कहो क्या ख्याल? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपने माँ जी को सब कुछ बता दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया है। बच्चे के मुतालिक भी? नहीं बताया। मैं जानती हूँ आपने नहीं बताया। राधा, मैं शादी के बाद बता दूंगा। नहीं, आपको अभी बताना पड़ेगा। राधा, अगर मैं उन्हें अभी बता देता तो शायद वो गलत समझ लेते। ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम दुनिया के जुल्म का शिकार हो, वो नहीं जानते। सो मैंने सोचा कि शादी के बाद ही बताऊंगा ताकि उन्हें कोई गलत फहमी ना हो। नहीं नहीं, मैं माँ जी को धोखा नहीं दे सकती। वो पहले सब कुछ जान ले, मुझे माफ कर दे, मुझे आशीर्वाद दे, जब भी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। नहीं तो मालूम नहीं तुम्हें जिद्दी क्यों, कठोर क्यों। तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती है और तुम उससे कुछ नहीं कहती। तुम पर मुसीबतों का भार टूट पड़ता है और तुम मुझसे दूर भाग जाती हो। अब जब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशियां वापस लाना चाहता हूँ, तो तुम कहती हो कि शादी नहीं कर सकती, आखिर क्यों? तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं, तुम मुझे नहीं चाहती। हाँ, मुझे आपका कोई ख्याल नहीं, मैं आपको नहीं चाहती। झूठ है, तुम जानबूझकर झूठ बोल रही हो। तुम अब फिर मुझसे दूर भाग जाना चाहती हो, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें बेरहम दुनिया की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और दुनिया से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, ये किसका कसूर था, तुम्हारा या उस शैतान का? समाज के ठेकेदार तुम्हें सजा क्यों देते हैं और उस शैतान को इज्जत की नजरों से क्यों देखते हैं? तुम अपनी जिंदगी जिल्लत और शर्म में क्यों गुजारती हो और वो शैतान समाज में ऊंची जगह पर बैठकर तुम पर कह कह क्यों लगाता है? राधा, इस वक्त रोने की नहीं, हालात को समझने की जरूरत है। हम दोनों मिलकर हालात को संवार सकते हैं, बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करना पड़ेगी। आप जो कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये हमारा पुराना मकान है, यानी हमारा नया मस्त है। हाँ, इसे पिताजी ने बहुत पहले बनवाया था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। तुम सब यहाँ आराम से रह सकते हो। अच्छा, वेरी गुड। आओ राजा। अरे शेर, चीता, हिरन, ये तो बिल्कुल अजायब खाना है।
क्योंकि पिताजी को शिकार का बहुत शौक था। अच्छा शौक था, उनका शौक ठहरा और इन बिचारों की जान चली गई। यह शौक अच्छा नहीं है मिस्टर। मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। शायद तुम ठीक कहते हो, पिताजी को इसकी बहुत बड़ी कीमत देना पड़ी थी। ये बंदूक देखते हो, ये इसका मुंह तरफ करो, अगर गोली वोली चल गई तो तुम मुझे भी इस अजायब घर में सजा दोगे प्लीज। डरो नहीं, ये ऐसे नहीं चलती। इसमें अभी एक गोली बाकी है और दूसरे ने पिताजी के हाथों उन्हीं की जान ले ली। खैर छोड़ो इन बातों, आओ तुम्हें सारा मकान दिखा दे। कौन हो, क्या हो, कहां से आई हो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे जीवन का इतिहास क्या है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरा लड़का तुमसे शादी करना चाहता था और एक माँ की हैसियत से मैं उसको खुश देखना चाहती थी। आज मेरे लड़के ने तुमसे शादी कर ली, आज तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी। आज तक लोग इस घर को इज्जत की नजरों से देखते आए, आज तक किसी ने इस घर पर उंगली नहीं उठाई। आज से इस घर की इज्जत, इस घर की लाज तुम्हारे हाथ है। काय को चिल्लाता, ना 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 ना, काय को भमाता चंदू चंदू, ना ला 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 ला। ए आया, इससे जाती तो तुम चिल्लाता है, उछलता है, कूदता है। आया एक बात पूछ सकता है? क्या बोलना मांगता? देखो तुम जब इतना चिल्लाता है, उछलता है, कूदता है तो किसी सर्कस में क्यों नहीं काम करता है? आया काय को बनता है? ए सब आप नहीं चलेगा, देखो हम बहुत थक गए, हम आराम से सोना मांगता है, इसको तुम गप चुप कराना मांगता है। तुमको इसका फिक्र नहीं मांगता, हम आप चुप कराना। हम इतना बच्चा लोग पाला, ये तो साफ जाहिर है। देखो आया तुम्हारा सर्कस बंद करेगा, तुम हम जैसा बोलेगा वैसा करेगा। हमारे ख्याल से इसको भूख लगता है, ये तो बहुत गर्म होता है, ठंडा पानी से झिलाएगा। तुमने कैसा बात बोलता, अपनी मम्मी को मांगता? मम्मी को नहीं मांगता, मामा को मांगता है। लाओ क्या बात है राधा, इतनी परेशान क्यों? वो रो रहा है, वो रो रहा है। कौन रो रहा है? चंदू रो रहा है, मेरा चंदू रो रहा है। अगली कहीं मस्तराम जो वहाँ इतनी होशियार आया वहाँ है, फिर वो क्यों रोने लगा है? नहीं, रात के वक्त मुझसे कभी अलग नहीं रहा। नहीं, आप मुझे वहाँ ले चलिए। इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं है राधा, आप नहीं समझ सकते, भगवान के लिए मुझे वहाँ ले चलिए। लेकिन मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी, अगर मां जी जागेंगी तो खामखा पूछताछ करेंगे, कुछ तो समझ से काम लो। राधा मैं कल आ जाऊंगी।
चंदू सो रहा है। सो रहा है? हाँ, पूरे 12 घंटे के बाद। वो रात को रोया तो नहीं था? रोया नहीं था। अरे वो चीखता था, चिल्लाता था, उसने रो रो के मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। चंदू अपना बाजा बजाता था, आया अपनी सर्कस दिखा दी थी। संभालो बच्चे को, मैं अभी आया। किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, किस ख्याल में दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहां मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, ओ रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा तुम, प्यार से पुकार लो जहां तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ओ तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम।
बेटा, ये लोग बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हें बधाई देने आए हैं। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। निर्मल, जी कहिए। निर्मल, क्या ये सच है कि राधा कभी भीख मांगा करती थी? जी हाँ। और शादी से पहले मिल में काम करती थी? जी हाँ, मैंने उस मिल में काम करवाया और वो अच्छा काम करती। लेकिन मिल में काम करने में क्या बुराई है? ये तो बिल्कुल इज्जत और शराफत का काम है। बाप की बात था, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ी, काम करना पड़ा। उसने किसी पर बोझ बनने की बजाय बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। लेकिन आप क्या जाए? आप तो इस आलीशान मकान में रहती है ना, आपने कभी इस घर से बाहर झांक कर देखने की कोशिश नहीं। आपको क्या मालूम कि बाहर की दुनिया में लोगों पर क्या गुजरती है? इस दुनिया में शरीफों की इज्जत से रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? मैंने ये सब कहा कि काम करना बुरा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुमने मुझे बताया नहीं। मैं भूल गया हूँ बाबा, मुझे अफसोस है। आप जाकर माँ जी को सब कुछ बता दीजिए। उनसे सच्चाई छिपाकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन दादा, इस तरह परेशान होने से क्या फायदा? मैंने कहा तो था कि बता दूंगा। नहीं, भगवान के लिए इस बात को और न डालिए। उन्हें आज सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए, चाहे वो मुझे यहाँ से निकाल दे। आज आपको जरूर बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, बता दूंगा, लेकिन सब्र करो। नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं उन्हें बता देती हूँ। आज मैं उनके सामने सब कुछ मान लूंगी, उन्हें सब कुछ कह डालूंगी। मैं जाता हूं। मां, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो। बात यह है कि वो अभी बता दो। बोल रहा क्या? अच्छा, हाँ, आ रहा हूं। मां, मणिपुर की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई, मैं ऑफिस जा रहा हूं। क्या हुआ? माँ जी ने क्या कहा? राधा, मुझे माँ जी से बात करने का मौका नहीं मिला। मैं मिल जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम। क्या हुआ? मिल पहुँच कर ही मालूम होगा। और देखो, जब तक मैं वापस ना जाऊँ कोई बेवकूफी ना करना, समझी? मेरे ऑपरेटर, उस ट्रंक कॉल का क्या हुआ? हाँ, तो फिर कैंसिल करो और माँ जी का नंबर दो। हाँ, जल्दी। मैं खुद मणिपुर जा रहा हूँ। मजदूरों को सालाना बोनस मिलना ही चाहिए, ये उनका हक है। और मैनेजर को नहीं चाहिए था कि मेरी इजाजत के बगैर इस साल का बोनस न दे। हेलो माँ, माँ मणिपुर की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ, मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला काफी गंभीर है। जस्ट ए मिनट प्लीज, जस्ट ए मिनट। ए माँ, तुम्हें नहीं। हाँ हाँ, मैं सीधा यहीं से जा रहा हूँ, घर नहीं आ सकता। हाँ हाँ हाँ, कार से। और सुनिए, राधा को बता दीजिएगा, मेरी फिक्र ना कीजिएगा, मैं जल्दी लौटाऊंगा। हाँ,
ओ नो 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 डिस्टर्ब नहीं करो। माँ, उन्होंने लिखा है फैक्ट्री के हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी वो दो चार दिन वहीं रहेंगे। वो खुद तो ठीक है ना? जी हाँ, और उन्होंने आपको प्रणाम लिखा है। तुम कहीं बाहर जा रही हो? जी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या ख्याल है जी? मेरा ख्याल है जिंदा, लेकिन आप लोगों ने शायद समझा कि मर गया। कैसी बातें कर रहे? दूर थोड़ा ही कहता हूँ यार, निर्मल की शादी हुई, सारा शहर आया और मुझे खबर तक नहीं। निर्मल तुम्हें बुलाना भूल गया? कोई बात नहीं चाची, भूल इंसान ही से होती है। चाची, अभी जो वो कार में गई है, क्या वही निर्मल की? हाँ, वही निर्मल की पत्नी। मालूम होता है उन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? मिल में देखा होगा, वो पहले वही काम करते थे। अच्छा, क्या तुम? मेरा तो ख्याल था निर्मल की बीवी किसी अच्छे घर की हो। गरीब जरूर, लेकिन अच्छे। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ चाची। चाची भला जब तक आप यहाँ बैठी हैं, किसी मामूली घर की लड़की घर में कैसे आ सकती है? उन्होंने तुम देखा जरूर। हाँ, याद आए, असल में मैंने उन्हें आपके पुराने मकान में जाते देखा। चाची आप तो जानती हैं मुझे अक्सर ज्यादा आता हूँ। पहले आपकी कार वहाँ देखी, फिर उन्हें देखा। तो पूछा कि निर्मल और वो पुराने मकान ही में रहते हैं ना? यूं ही चले गए होंगे, आखिर वो हमारा ही तो मकान है। तुम कुछ पियो भी मना? जी नहीं, मैं तो यूं ही इधर से गुजरा था, सोचा अपने पुराने दोस्त को मुबारकबाद देकर फर्ज अदा कर दूं। बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा, देर हो गई। अच्छा चाची, मैं चला। नमस्ते। आया भैया कहाँ है? वो उधर बैठे हैं मेम साहब। फिर तुमने मेम साहब कहा? ओ बीबी जी, बीबी जी मालूम नहीं उसको क्या हो गया, सारा टाइम सोता है, चिल्लाता है और खाली पहले बम मारता है। क्यों भैया, क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई मजमून नहीं, कोई मतलब नहीं, समझी? नहीं समझी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, शायद इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। हाँ नाराज हूं, लेकिन तुमसे नहीं, अपने आप से। मेरी समझ में नहीं आता कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे सब कुछ भुला दिया, मस्त महल को भुला दिया, मस्तराम को भुला दिया। राधा मुझे जाने दो, मेरा मस्त महल सुना पड़ा है। लेकिन भैया तुम्हारे जाने से ये घर सुना हो जाएगा, तुमने मुझ पे बहुत मेहरबानी की। मेहरबानी काय की, एक माँ ने मुझ पे मेहरबानी की थी, मैंने एक और माँ पे मेहरबानी की, समझी? हिसाब बराबर हो गया। नहीं समझी, नहीं समझी, कोई बात नहीं, चलो मैं जाता हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। भैया आज मैं जो कुछ हूँ, मुझे जो कुछ मिला है, सब तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारे एहसान। पागली कहेगी, एहसान काहे का, भाई का बहन पर एहसान नहीं होता। भैया चलो मैं चलूं। हाँ तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, कब से बाहें फैलाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। सब
सुने भी यहाँ बेनूर है, जो है तेरे वो तुझसे दूर है। इस दुनिया में तेरा कौन है, इस दुनिया में तेरा कौन है। ये सोच के घबरा जाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। नजरों से गिरा देंगे सभी, दो दिन में भुला देंगे सभी। बरसेंगे न बादल धूल के, बरसेंगे न बादल धूल के। रो रो के यही समझाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। वहाँ छोटे बड़े सब एक से, नहीं कोई जो तेरे दुख के हंसे। वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के। सबको सीने से लगाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। सबसे बाहें फैलाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। राधा कहाँ है? मैं पूछती हूँ, राधा कहाँ है? ऊपर है माँ जी। बीबी जी, बीबी जी, क्या है? शादी से पहले हुआ था, और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं मां, नहीं, मैंने आपको कभी धोखा देना नहीं चाहा। मैंने उसे पहले ही कहा था कि वो आपको सब कुछ बता दे, लेकिन उन्होंने मुझे एक न मानी। कोई दोष नहीं मां,
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माँ। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा इतना नीच होगा। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। वो देवता है माँ। चुप रहो। वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी तुम हो, वो भी उतना ही बुरा है जितनी तुम हो। नहीं माँ, नहीं। उनका बच्चे से कोई संबंध नहीं है। ये बच्चा उनका नहीं है। बच्चा निर्मल का नहीं है? नहीं। जानती हो क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तो निकल जाओ इस घर से इसी बात। मुझ पे दया कर, दया करो माँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष? तुम पागल हो, पतिता है, घर में रहने के काबिल नहीं हो। मैंने तुम्हें इस घर की दक्षिणी समझा था, मैंने तुम्हें इस घर की इज्जत सौंपी थी, लेकिन तुमने उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने हमेशा के लिए इस घर पर कलंक लगा दिया। घर में रहने के काबिल नहीं, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, पाप में गंदी नालियों में है। रानी, सुनारी, इधर आओ, इधर बाहर फेंक दो। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। खेलते हो बार बार किसलिए, मिट्टी से खेलते हो बार बार किसलिए, टूटे हुए खिलौनों से प्यार किसलिए, टूटे हुए खिलौनों से प्यार किसलिए, मिट्टी से खेलते मिट्टी से खेलते हो बार बार।
मेरे जीवन के सहारे माँ जी को सब कुछ मालूम हो चुका है और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने इस बेरहम दुनिया से दूर भागना चाहा, लेकिन मेरा जीवन अब मेरा नहीं रहा, सो मैं मर न सकी। लेकिन अब मुझसे जिया भी नहीं जाता, अब मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप ये पत्र देखते ही चले आइए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उठो, अब तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे किसी इम्तिहान का डर नहीं। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो, आप तो बिल्कुल भीग गए हैं, कार में कैसे भीग गए? आपके हाथ इतने ठंडे क्यों? तुम इनकी फिक्र ना करो, ये कपड़े उतार दीजिए, ये खुद ही सूख जाए। नहीं नहीं, आपको सर्दी लग जाएगी, मौसम बहुत खराब है। मौसम, सर्दी, बारिश, अब मुझ पर कोई चीज असर नहीं कर सकती। मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र। अरे ये तूफान कैसे आ रहा है? सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के।
नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं, है सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए समझो के सवेरा दूर नहीं, समझो के सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए समझो के सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं, हैं सबसे मधुर वो गीत। पहलू में पराए दर्द बसा के हंसना हंसाना सीख जरा तू, हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के हंसना हंसाना सीख जरा तू, हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे गिर के उठे हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं, सबसे मधुर होगी। हमें कार तो मिल गई है लेकिन निर्मल बाबू उसमें नहीं थे। हमारा ख्याल है शायद वो कार से बाहर गिर पड़े हों और फिर शायद पानी का बहाव उन्हें साथ ले गया हो, या ये भी हो सकता है कि दरिया में किसी चट्टान वगैरह के साथ अटक गए हो। निर्मल की पूरी पूरी तलाश की जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो ही उनका पता चलेगा मैं आपको खबर दे दूंगा। बीबी जी, बीबी जी, उठो बीबी जी, जल्दी उठो बीबी जी। क्या है? सांप का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? सांप का गाड़ी दरिया में गया और सांप भी। तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ बीबी जी, उधर माँ जी के पास मिल के लोग आए हैं, उनको सांप का लाश नहीं मिलता। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, वो रात को यहाँ आए हैं, हमने इकट्ठे खाना खाया है, वो अभी तक यही है। सुनते हो कहाँ चले गए? सांप इधर नहीं आया बीबी जी, तुमने जरूर सांप का ख्वाब देखा होगा। चुप रहो। तुम यहाँ क्या देखते हो बीबी जी? सांप इधर नहीं आया। आया? 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 दरवाजा बंद कर दो। राधा,
मेरी आवाज सुनती हो, तुम रो रही हो। ये रोने का वक्त नहीं है, ये रोने की जगह नहीं है। यहां तुम्हारे आंसू कोई नहीं पूछेगा। जा, वापस चले जा। उठो, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ राधा, वापस घर चले जाओ। जिंदगी से मायूस न हो राधा, जिंदगी बहुत कीमती है। तुमने बेगुनाही की वजह से जो मुसीबतें उठाई हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। हिम्मत न हारो, अभी तो तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। तुम्हें इंसान की बनाई हुई इस दलील दुनिया को संवारना है, समाज के काले दिल को उजला करना है, मरती हुई इंसानियत में एक नई रूप फूंकना है। तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है राधा। क्यों, मुझे देखकर हैरान हो क्यों? अजीब बात है, मेरा तो यह ख्याल था तुम बड़े जोश से मेरा स्वागत करो। खैर, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। हाँ, जरूर चला जाऊंगा। जितनी जल्दी तुम मान जाओ मैं उतनी ही जल्दी चला जाऊंगा। और मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो और जरा तुम से काम करो। वो तो बहुत अच्छा था जो तुमने उस बेवकूफ निर्मल को फंसा दिया था, लेकिन अब वो मर चुका है और तुम उस घर से निकाली जा चुके। देखो राधा, तुम अब भी खूबसूरत हो, मोहब्बत किए जाने के काबिल हो, तो आओ मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, और वो बच्चा जिसे तुम मेरा कहती हो, चाहो तो उसे भी साथ ले लो। मैं तुम्हें जिंदगी में सब सुख और आराम दूंगा। खूब, बहुत खूब। तुम बहुत समझदार हो राधा, जो तुमने मेरी बात मान ली। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तो तुम्हारे रास्ते में आंखें बिछाए खड़ा हूँ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जरूर चला जाऊंगा, मगर तुम्हें साथ लेकर। देखो राधा, मैंने शहर से बाहर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मकान ले लिया है, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चले जाओ। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती से पहले ही मर चुका हूँ, अब मुझे इस खाली बंदूक से डराने का क्या फायदा? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जरा होश में बात करो राधा, तुम्हें मुझे इस तरह धमकाते हो शर्म नहीं आती? वो दिन भूल गई जब तुम खुद मेरे पास आई थी, याद है? तुम खुद मेरे पास आई थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुमने मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया था। उस वक्त मैं बेआसरा लड़की थी, लेकिन आज मैं एक देहाता औरत हूँ। देहाता औरत। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। Thank you.
मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। किसे? मैंने उसे मार डाला। राधा, किसे मार डाला? उस शैतान को। कौन, मनोहर? हाँ, वो मुझे और मेरे बच्चे को ले जाना चाहता था, मैंने उसे मार डाला। अब मुझे कभी परेशान नहीं करेगा, अब मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। राधा, निर्मल कहाँ है? राधा, निर्मल कहाँ है? वो नहीं है, वो नहीं है। क्या कह रही हो राधा? मैं विधवा हूँ, मैं विधवा हूँ भैया। चौक रोड के 6 नंबर के मकान में खून हुआ है, आप जानती हो खून किसने किया? मैंने किया। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपकी आंखों में आंसू? कौन हो तुम? आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानती मां। करीब, बहुत करीब। आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपको तो रोना नहीं चाहिए। आपको किस चीज की कमी है? आपके पास आलीशान मकान है, लंबी चौड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, दौलत, इज्जत, हैसियत। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मेरा तो सब कुछ तुम्ही हो। तुम आ जाओ, जाओ बेटा। वो वक्त जा चुका है, मैं अब वापस नहीं आ सकता। बेटा, आपने अपने घर की झूठी इज्जत के लिए मेरे घर की रौनक उजाड़ दी। आपने मेरी राधा को ठुकरा दिया। बेटा, 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 उसने तुम्हें धोखा दिया था, उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम नहीं जानते वो किस तरह की लड़की थी। मैं जानता हूँ माँ। उसका एक बच्चा भी था। मैं जानता हूँ, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरी राधा तो सुबह के सितारे की तरह मासूम है, वो तो मंदिर की मूर्ति की तरह पवित्र है। बेटा, बेटा। अगर कोई शैतान मूर्ति को मंदिर में से उठाकर कीचड़ में फेंक दे तो मूर्ति खराब नहीं हो जाती माँ। तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये एक अमीर मर्द की दलील हवस और एक गरीब लड़की की बेबसी की कहानी माँ। उस शैतान ने उस लड़की को पाप के गार में धकेल दिया था और मैंने उसे सहारा देना चाहा। मैं उसकी लूटी हुई इज्जत और खुशियों को वापस लाना चाहता था, सो मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की। बेटा! लेकिन अंधी दुनिया की तरह आपने भी उसको ठुकरा दिया। बेटा! आपने ये ना सोचा कि आखिर वो भी किसी की लड़की है। बेटा! अगर उसकी जगह पर आपकी अपनी लड़की होती तो आप क्या करते? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं उसे वापस लाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं उसे वापस लाऊंगी। लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जिस शैतान ने उसकी इज्जत का खून किया था उसने उस शैतान को मार डाला है, और अंधी दुनिया मेरी राधा को फिर अपराधी समझ रही है। आप जाकर दुनिया की आंखें खोलिए, दुनिया को बताइए कि राधा कौन है। आप दुनिया को बताइए कि उस शैतान ने राधा की बेबसी का किस तरह फायदा उठाया है।
और किस तरह उसकी जिंदगी को तबाह किया है। आप दुनिया को बताइए कि समाज के ठेकेदारों ने उस निर्दोष लड़की को कितनी बड़ी सजा। दुनिया वालों, तुम मेरी राधा को अपराधी समझ रहे हैं। जो गलती मैंने की थी वही गलती तुम भी कर रहे हो। आज मेरी राधा एक खूनी की हैसियत से कानून के सामने खड़ी। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। मैं कानून से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मेरी राधा ने क्या अपराध किया? तुम उसे अपराधी क्यों समझती हो? तुम एक शैतान मर्द को बेगुनाह समझते हो और एक मासूम लड़की को गुनाहगार ठहराते हो। क्या इसलिए कि औरत कमजोर है, बेजुबान है, मर्द की मोहताज है? मैं एक औरत की हैसियत से तुमसे पूछती हूँ कि तुम उस शैतान मर्द को सजा देने के बजाय उस मासूम लड़की को सजा क्यों देते हो? उस शैतान मर्द होने की वजह से दुनिया में फिर से नादान कर चलता है, दुनिया उसे फिर इज्जत देती है और वो दुनिया में फिर ऊंची जगह बैठकर उस मासूम लड़की की तबाही पर कह कह लगाता है। तुमने कभी ये भी सोचा उस मासूम लड़की का क्या होता है? मेरी तरह उसके अपने उसे ठुकरा देते, पराये ठुकरा देते ही अंधी दुनिया ठुकरा देती। उसके बाद वो मासूम लड़की अपनी बदनामी को या तो मौत के पर्दे में छुपा लेती या जिंदगी भर जिल्लत की गंदी नालियों में रेंगती रहती। आज राधा की जगह पर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम क्या करते? तुम्हारी बहू होती तो तुम क्या करते? तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। राधा भी किसी की बेटी है, राधा भी किसी की बहू है। उसका जख्मी दिल तुम्हारे इंसाफ के लिए पुकार रहा है, तुम्हारी मदद के लिए चीख रहा है। उसके आंसू पोंछ डालो, उसकी खोई हुई इज्जत वापस ले आओ, उसको दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका दो। मैं तुमसे अपने राधा के लिए रहम की भीख नहीं, इंसाफ मांग रही हूँ। कानून अपने अपराधी से इंसाफ करेगा, तुम अपनी बेटी से इंसाफ करो। जूरी ने सबसे राय के बिना पर यह फैसला दिया है कि मुल्जिमा ने अपनी जान के बचाव के लिए खून किया था, लिहाजा मुल्जिमा बेकसूर, इसलिए अदालत मुल्जिमा को बाइज्जत बरी करती है। चंदू मामा आ गया। भूल गया, अरे वो आया को घुमाने ले गया होगा, मेरा मतलब है आया ने उसे ले गया होगा। अभी आ चंदू। चंदू तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है। माँ वो अपनी जगह पर पहुंच गया है। आओ मेरे साथ। माँ जी आप और यह क्यों, कोई इतराज है? नहीं मुझे कोई इतराज नहीं, ये तो मस्तमहल की खुशकिस्मती है, मस्तराम की खुशकिस्मती है कि आप यहाँ हैं। माँ जी आज आपने वो काम किया है जो दुनिया में कोई माँ नहीं कर सकती। चुप रहो और चलो मेरे साथ। हाँ मैं और आपके साथ चलूं? क्यों तुम्हें कोई इतराज है? नहीं नहीं मुझे क्या इतराज है, ये तो आप ही ने कह दिया कि चलो मेरे साथ में, तो मैं खुद चलना शुरू कर देता। चुप रहो। चल चल चंदू मेरे लाल। चंदू
मैं चाहता था कि आप लोगों को बता दें कि राधा बिल्कुल निर्दोष है और आपने ये काम बहुत ही खूबी से किया। आपने जो कुछ राधा के लिए किया है वो शायद मैं भी नहीं कर सकता। मुझे आप पर नाज है मां। बेटा, बेटा। अच्छा तुम बता दो भला उस रात में कहां था? मुझे नहीं पता। आपकी चार पाई नहीं, मैं छिपा हुआ था। तू बड़ा शरीर है, इतनी बड़ी सजा क्यों दी मैंने? मां मेरी दास, अब मैं आपसे दूर रहकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी अपने किसी को जाने में सबसे दुख मैं जिंदा। लोग कहते हैं कि कानों से सुनी बात झूठ होती है, लेकिन मैं कहता हूं आपको देखा भी झूठ होता है। समझे? चुप रहे, तेरे को कहीं देना। अरे, तो बच्चे को गिरा है। अरे मेरे काश। सच्ची है, क्यों मस्तराम, क्या ख्याल है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आ सकती। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? भाई तुम्हारी आंखों में आंसू मैंने पहली बार ही देखे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी खुशी देखी। भैया राधा। अरे अरे तुम सब बाहर खड़े क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो मेरी बहू के माथे पे सिंदूर नहीं है? वो अभी तक बिना पहली बार में खड़ी है। चलो चलो ऊपर आ, ऊपर आ। क्यों मस्तराम,
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम हो पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।